हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरत आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज जो टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भारत की राजव्यवस्था, इसमें संविधान की उद्देशिका के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक कल लाइव क्लास में सही नहीं चल पाया था, जिसके कारण इसको मैं रिपीट करके दोबारा से आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या टॉपिक है हमारा। टॉपिक है हमारा भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, अब जब बात करते हैं उद्देशिका, तो इसको एक और नाम मिलता है। एक तो आपने इसको उद्देशिका पढ़ा होगा, उद्देशिका, और एक आपने इसको पढ़ा होगा प्रस्तावना। एक और पढ़ा होगा आपने प्रस्तावना। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको प्रियम्बल कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। ये वो नाम है जो हमारे संविधान में प्रस्तावना के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से सीखा, यानी कि इसका मूल स्रोत क्या है। तो मूल स्रोत है अमेरिका का संविधान। आपको मालूम है अमेरिका के संविधान, अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने प्रीएम्बल सीखा है। प्रीएम्बल सीखने का मतलब यहाँ पर क्या है, वो ये है कि जैसे अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। लेकिन इस संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पर यह ध्यान रखना है प्रस्तावना की भाषा जो है वो क्या है। तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रस्तावना में है क्या, क्या चीजें प्रस्तावना में आती हैं, तो इसमें संविधान के मूल आदर्श हैं। तो आप ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना में संविधान के मूल आदर्श हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है संविधान में प्रस्तावना के मूल आदर्श हैं। मूल आदर्श वैसे तो संविधान के मूल आदर्श हैं, लेकिन संविधान किसका है? आपको मालूम है संविधान जो है वो भारत का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के संविधान में भारत के मूल आदर्श हैं। यानी अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना सीखी भी है, तो भी उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन ही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे संविधान में प्रस्तावना आई कैसे, इसके ऊपर जरा एक छोटा सा पॉइंट हम देखना चाहते हैं। कैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना आई है, कहाँ पर रखी है, क्या इसकी शुरुआत है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना का एक इतिहास है। प्रस्तावना का प्रारंभिक इतिहास। इस प्रारंभिक इतिहास में हम क्या जानेंगे कि प्रस्तावना को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात है सबसे पहले संविधान सभा की, और संविधान सभा की आपको मालूम है पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हो रही है? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक हो रही है 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। तो ये जो तीसरी बैठक है, थर्ड बैठक जो है, ये प्रस्तावना के लिए इम्पोर्टेंट है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया? संविधान सभा में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या कि संविधान तो हम सब बनाने चल रहे हैं, संविधान सभा के लोग, लेकिन संविधान बनाते समय किन मूल बातों का ध्यान रखा जाएगा, वो मूल बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई थी। लेकिन ये मूल बातें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने तैयार करी थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे संविधान सभा की अनुमति मिलना आवश्यक था। तो इस दिन, तीसरी बैठक वाले दिन, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास नहीं किया गया है। लेकिन जब चौथी बैठक जो कि 22 जनवरी 1947 को होगी,
इस दिन संविधान सभा ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947। अब यही जो है उद्देशिका के नाम से जाना जाएगा, जब संविधान हमारा बन जाएगा तो इसी प्रस्ताव को बाद में उद्देशिका के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, उद्देशिका। इसी प्रस्ताव को बाद में उद्देशिका के नाम से जाना जाएगा। तब जाना जाएगा जब यहाँ पर जब संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो अब जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है इसे मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिसकी शुरुआत जो है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एंड सो ऑन आगे है। तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान रखेंगे संपन्न, ठीक है। एक पॉइंट हमको मिला, दूसरा पॉइंट समाजवादी, दूसरा पॉइंट मिला आपको। तीसरा पॉइंट हमको मिलेगा पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमको मिला न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, तो छठवां पॉइंट हमें मिला यहाँ पर स्वतंत्रता। सातवां पॉइंट हम देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, इसको बोला जा सकता है, तो समता या समानता एक ही बात है, प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। आठवां पॉइंट मिला राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। नवा पॉइंट हमको मिला बंधुता या बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, डेट है हमारी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो देखिए ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल था, जिसमें ये 9 पॉइंट आपको मूल रूप से ध्यान रखने हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं ये जो कि आपको ध्यान रखना है, और यही संविधान की मूल बातें हैं। जब भी हम संविधान में किन्हीं नियमों को जोड़ते हैं तो इनको ध्यान में रखते हुए ही जोड़ते हैं कि ये हमारे संविधान की मूल बातें उसको जो है खराब ना करें। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए ही इन मूल बातों को यहाँ पर अपने संविधान में ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अब इसके एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर उनको जरा समझने की बात है, उनको जरा वन बाय वन हम लोग समझने की बात समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आ रहा है प्रभुत्व संपन्न, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे ये प्रभुत्व संपन्न क्या है। प्रभुत्व संपन्न होने का प्रभुत्व टर्म जो है वो प्रभुता से आता है, प्रभुता का मतलब होता है ओनरशिप, या आप इसको बोल सकते हैं कि सॉवरेनिटी, जिसको बोलते हैं सॉवरेन कंट्री है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत ना तो आंतरिक, मतलब भारत जो है पूरा आंतरिक दृष्टि से देख लीजिए चाहे बाह्य दृष्टि से देख लीजिए, किसी भी दृष्टिकोण से हम किसी विदेशी ना तो नियंत्रण में है, ना किसी विदेशी नीति का पालन करेंगे किसी दबाव में आकर के, मतलब सारी चीज़ें हमारी अपनी खुद की रहेंगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी को विदेशी नियंत्रण से मुक्त
ठीक है, यानी आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी नियंत्रण से मुक्त राज्य जो होता है उस राज्य को प्रभुत्व संपन्न राज्य बोला जाता है, जो कि हमारी कंट्री है। मतलब हमारे ऊपर ना तो किसी विदेशी नीति का कोई असर है, अगर हम किसी विदेशी नीति को अपनाते भी हैं तो स्वेच्छा से अपनाएंगे, किसी दबाव में आकर के उस नीति को हम नहीं अपनाएंगे, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। एक और टर्म ध्यान रखना है, प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब है हम किसी भी राष्ट्र से संधि या समझौता या मित्रता आदि कर सकते हैं, मित्रता आदि करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस टर्म को हम लोग प्रभुता के अंतर्गत लेके आते हैं। इंडिया इस तरीके का एक कंट्री है जो कि स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब यही। दूसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा समाजवादी। कौन सा मिलेगा? समाजवादी। हमारा राष्ट्र जो कि सॉवरेन है वो सोशलिस्ट भी है, सॉवरेन तो है ही है, साथ ही साथ कैसा है? सोशलिस्ट भी है, समाजवादी है। तो समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन, ये मूल कह सकते हैं कि प्रस्तावना में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में इस समय जोड़ा गया था। और समाजवाद शब्द जो है वो कहीं ना कहीं विशेष प्रकार से अगर देखा जाए तो आर्थिक न्याय की मांग को दोहराता है, समाज में इक्वलिटी को प्रमोट करता है। किसी प्रकार से किसी निजी हित को नुकसान ना पहुंचाना, समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को उच्च वर्ग के बराबर लाना, समाज को सुरक्षा प्रदान करना, ये सब जो है समाजवादी राष्ट्र का कर्तव्य है। तो समाजवादी होने में इन सब चीज़ों की कल्पना की गई है, उनको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आर्थिक जो न्याय है वो प्रदान किया जा सके, इसके अलावा कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग को या पिछड़ा वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाना ये समाजवाद है। इसके अलावा आप कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ये समाजवाद है। ठीक है, तो ये सब चीजें समाजवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा ना हो, किसी अन्य रूप में शिक्षा के क्षेत्र में ना पिछड़ा हो, जीवन स्तर उसका पिछड़ा हुआ ना हो, सामाजिक सुरक्षा उसको मिले, ये सब समाजवादी भावनाओं के अंतर्गत आता है। ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए। समाजवाद के बाद अगला टर्म जो आता है वो है आपका पंथ निरपेक्ष। ये भी काफी महत्वपूर्ण टर्म है, पंथ निरपेक्ष, और इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये शब्द पहले नहीं था मूल संविधान में। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म ना मानना। स्पष्ट रूप से लिख दे रहा हूं, किसी विशेष धर्म को राजधर्म ना मानना। ठीक है, ना मानना, बल्कि यहां पर एक और स्टेटमेंट, बल्कि सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करना। अब इसमें जहां जहां धर्म लगा है, इस धर्म को आप पंथ शब्द से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, पंथ क्या होता है? किसी एक विचार को पंथ कहा जाता है, किसी विशेष विचार को ही पंथ कहते हैं, किसी विशेष विचारधारा को पंथ कहा जाता है। और
किसी विशेष विचार से ही विशेष धर्म का सृजन होता है, यानी धर्म में भी विचार ही होते हैं। तो मूल भावना धर्म नहीं है, मूल भावना पंथ है। हम किसी विचार को कह सकते हैं यहाँ पर विशेष मान्यता नहीं देते हैं, बल्कि सभी धर्मों को हम सभी प्रकार की मान्यताएं देते हैं, सभी पंथों को सभी प्रकार की मान्यताएं देते हैं। तो धर्म से अधिक हम पंथ पर विचार करते हैं और विचारों को मान्यता देते हैं, ये पंथ निरपेक्ष की बात है। लेकिन इंग्लिश में जब इसे आप सेक्युलर कहना शुरू कर देते हैं तो वो सेक्युलरिज्म जो है वो धर्म को इंगित करने लगता है। तो लोगों की समझ में थोड़ी सी कमी है, मेरा मानना ऐसा है कि राष्ट्र के संविधान में धर्म की बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि धर्म पंथ से ही बनता है। ठीक है, धर्म जो है वो किससे बनता है, पंथ से ही निर्मित होता है। पंथ के अलावा अगर आप देखें तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक और पॉइंट आपको मिलेगा, लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र की यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको सबसे पहले लोकतंत्र की बात कर लें। लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक इसी से शब्द बना है, लोकतंत्रात्मक। तंत्रात्मक इसका क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक इसका क्या मतलब है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं जनता के लिए सरकार। ये जो सरकार होती है ये लोकतंत्रात्मक सरकार होती है। देखिए, ये लोकतंत्र जो है वो दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। तंत्र का मतलब होगा नियम कानून या सरकार की व्यवस्था, लोक मतलब लोग, यानी सरकार की व्यवस्था जो लोगों द्वारा बनाई जाए, लोगों के लिए बनाई जाए, लोगों की बनाई जाए, ऐसी व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोकतंत्र के बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली होती है ये दो प्रकार की होती है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली को दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्रात्मक प्रणाली, और एक होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली हमारे यहाँ यूज होती है, जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली में क्या होता है, जो जनता होती है, जनता वो अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष इस्तेमाल करती है, शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। यानी यहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्राध्यक्ष जो है वो सीधे जनता द्वारा ना चुन करके जनता के प्रतिनिधि, और जनता के प्रतिनिधि कौन चुनता है, स्वयं जनता चुनती है। तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो इसका मतलब भारत में जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली कैसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सिंपल सी बात यही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र का मतलब भी समझ में आ गया होगा, लेकिन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर रही है यहाँ पर प्रस्तावना, तो गणराज्य क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं। गणराज्य शब्द, ये शब्द भी आपका दो शब्दों से बना है। देखिए, गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है, ठीक है, गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है। गण मतलब लोग, राज्य मतलब राज्य करने वाले, ठीक है, तो किसी प्रकार से शासन से बाधित। तो लोग जो हैं अपने शासन से जब बाधित होते हैं तो उसी को गणराज्य बोला जाता है। यानी जहां पे जनता का तंत्र होता है, जहां पे गण का तंत्र होता है, जहां पर नियम जो है वो गण बनाते हैं अर्थात लोग बनाते हैं अर्थात जनता बनाती है, ऐसे नियम वाले राज्य को गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, तो गणराज्य शब्द समझ में आ गया होगा, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे। यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, मतलब जो एक राजा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ये जो प्रणाली पहले चलती थी वो नहीं चलेगी। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये कही गई है।
वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि उसका निर्वाचन होगा। यहाँ पर पॉइंट और अच्छे से लिख दिया जाए, बल्कि उसका जनता द्वारा या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन होता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, अब भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपको मालूम है जैसे राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, गणराज्य में जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र की समस्त शक्तियां इसमें निहित होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी पावर है वो राष्ट्राध्यक्ष के पास ही होती है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग ये जो राष्ट्राध्यक्ष है इनके पास शक्तियां तो होती हैं लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह सलाहकारों की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, सारा का सारा पावर राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जो है ये सारा का सारा पावर अपने पास रखता जरूर है पर इनको यूज करने के लिए उन्हें जनता से परमिशन लेनी पड़ती है या जनता के प्रतिनिधियों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग गणराज्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मेरी ख्याल से इतना पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको संविधान की उद्देशिका का पार्ट 1 बताया है। इसके आगे मैं संविधान की उद्देशिका का पार्ट 2 आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं चर्चा करूंगा अलग अलग जो यहाँ पर और टर्म्स थे, जैसे कि अलग अलग और टर्म्स कौन कौन से थे मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ तक पूरी चर्चा कर चुके हैं इस जगह तक। अब आगे के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और बंधुता पर, और साथ ही साथ कुछ विशेष विचारक जो हैं उनका उद्देशिका को लेकर के क्या विचार है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।